क्या आपने कभी ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में सुना है जो रिक्शा में चलते हों, फर्श पर सोते हों और उनकी ईमानदारी ऐसी कि लोग उनके कायल हों? हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर की। जी हाँ, उनके किस्से इतने दिलचस्प हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और उनकी लोकप्रियता इसलिए भी इतनी ज्यादा है क्योंकि उनकी ईमानदारी आज के जमाने में महज एक किस्सा बनकर रह गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। आज हम कर्पूरी ठाकुर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक यानी कि भारत रत्न का सम्मान दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर बिहार के दूसरे उपमुख्यमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसके साथ ही वो कई बार विधायक का चुनाव भी जीत चुके हैं और वो विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर ताजपुर सीट से पहला विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद से वो कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। बात करें कर्पूरी ठाकुर के दिलचस्प किस्सों की तो सबसे पहला किस्सा 1952 का है। तो 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे और उस टाइम उनका ऑस्ट्रिया जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में चयन भी हो गया था, जिसके बाद उनको ऑस्ट्रिया जाना था लेकिन उनके पास दुर्भाग्य से कोर्ट नहीं था, तो उन्हें अब कोर्ट जुगाड़ करना था। तो इसके लिए उन्होंने अपने एक दोस्त से कोर्ट लिया लेकिन वो फटा हुआ था। और फिर क्या था, कर्पूरी ठाकुर वही फटा कोट पहनकर ऑस्ट्रिया चले गए। फिर वहां पे युगोस्लाविया के एक शासक ने देखा कि इनका कोट फटा हुआ है, तो उन्होंने वहां पर उनको नया कोट गिफ्ट भी किया था। तो उनकी ऐसी सादगी थी कि वो फटा कोट पहनकर ही ऑस्ट्रिया चले गए और इस पर युगोस्लाविया के एक शासक ने उन्हें नया कोट भी गिफ्ट कर दिया। कर्पूरी ठाकुर की सादगी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, उनके और भी ऐसे बहुत से किस्से हैं। दूसरे किस्से की बात करते हैं तो उनका एक ऐसा किस्सा है जहाँ पर अफसरों को उन्होंने सीएम हाउस में बुलवाकर सारी चौकी और सारे खटिया उन्होंने वापस भेज दिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, चलिए जान लेते हैं। तो एक बार उनके पैतृक गांव समस्तीपुर के स्कूल के दिनों के गुरुदेव उनसे मिलने पटना पहुंचे। अब वो पटना पहुंच तो गए लेकिन उनके सीएम आवास में ही रुकने का इंतजाम कर दिया गया। अब उनके सोने का इंतजाम भी करना था तो इसको लेकर उन्होंने अपने एक परिजन से कहा कि आप अपनी बिछावन आज के लिए हमारे गुरुदेव के लिए खाली कर दीजिए। अब इस पर उन्होंने बिछावन तो खाली कर दी लेकिन वो इस बात पर झल्ला उठे। जब इस बात का पता कर्पूरी ठाकुर को चला तो उन्होंने अफसरों को फोन करके कह दिया कि आप यहाँ से सारे चौकी और सारे बिछावन ले जाइए, आज से हम फर्श पर ही सोएंगे। तो अब ये उनका गुस्सा था या उनकी सादगी थी, तो उस दिन के बाद से कर्पूरी ठाकुर फर्श में ही सोने लग गए। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। राजनीति में उनका सफर 4 दशक तक रहा लेकिन ईमानदारी ऐसी कि जब निधन हुआ तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम पर नहीं था, ना तो पटना में और ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच भी जमीन जोड़ पाए थे। और आज उनकी इस सादगी और ईमानदारी को देखते हुए उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक यानी कि भारत रत्न से सम्मान दिया जाएगा। तो कुछ ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर के किस्से और इतने दिलचस्प किस्से कि आप भी सुन के जरूर हैरान रह गए होंगे और उनको आज भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। तो कर्पूरी ठाकुर के इस हैरान कर देने वाले किस्सों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।